वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। क्या आपको पता है इस प्लस साइन का क्या मतलब होता है? हाँ, आपने जरूर इसे हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर में देखा होगा, लेकिन ये आपके SSB के सफर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर ये प्लस मार्क आपके चेस्ट नंबर पर लग जाता है तो समझ जाइए कि आप मेडिकल के प्रोसीजर के लिए एलिजिबल है, और आपको कई सारी मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। तो इन्हीं मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आप घबराए नहीं, और मेडिकल के लिए जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। एस्पिरेंट्स NDA के रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं और SSB के लिए रिकमेंड हुए हैं, तो आप इस वीडियो को देख कर ही जाए। इसमें हमने 5 दिनों का SSB इंटरव्यू की पूरी डिटेल्स को शेयर करा है। एस्पिरेंट्स जैसे ही SSB इंटरव्यू के लास्ट डे में आपका कॉन्फ्रेंस हो जाता है तो आपके फेस में थोड़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि इसके बाद आप मेडिकल के लिए रिकमेंड हो जाते हो। एस्पिरेंट्स मेडिकल का जो प्रोसीजर है वह इंटरव्यू के एक दिन बाद ही शुरू हो जाता है, जो कि 5 से 6 डेज तक चलता है। और ये जो मेडिकल होता है वह आपके बोर्ड के नजदीकी मिलिट्री हॉस्पिटल में ही होता है। जैसे कि यदि आपका इंटरव्यू इलाहाबाद बोर्ड में हुआ है तो मेडिकल भी मिलिट्री हॉस्पिटल इलाहाबाद में ही होगा। और मेडिकल का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7:30 से शुरू होता है और दोपहर तक छोड़ दिया जाता है। और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप सभी को बोर्ड से हॉस्पिटल तक बस से ले जाया जाएगा और वापस भी लाया जाएगा। बस सुबह आपको थोड़ा जल्दी उठना जरूरी होगा। एस्पिरेंट्स मेडिकल के फर्स्ट डे में जाने से पहले आपको क्लीनलीनेस पर ध्यान रखना है, यानी अपने आप को साफ सुथरा बनाकर जाना है। जैसे कि अपने ईयर के वैक्स को क्लीन कर ले, अपने नोज को क्लीन कर ले, टीथ को क्लीन कर ले, अंडर आर्म के हेयर को भी हटा ले, नेल्स भी कट कर ले, और आखिर में बाथ ले ले। ये सारी बेसिक चीजों को करके ही मेडिकल के लिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इन सारी छोटी लापरवाहियों की वजह से TR यानी टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाता है। इसीलिए अपने आप को थोड़ा साफ सुथरा और मेंटेन करके जाएं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे ही आप लोग मिलिट्री हॉस्पिटल रिपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर आपको कुछ फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें करीबन 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। फिर आपको एक नया चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है जिसमें प्लस का साइन लगा होता है, और उसके बाद आपका ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लिया जाता है जो कि पैथोलॉजी लैब में सबमिट होता है। और जब इसका रिजल्ट आता है तो आपको उस दिन नहीं बताया जाता है, बस आपने जो शुरुआत में फॉर्म भरा हुआ होता है उसमें ही लिख दिया जाता है। उसके बाद कोई डिसाइडेड नहीं होता कि अगले दिन या उसी दिन ही आपका कौन सा टेस्ट होने वाला है। आई का भी हो सकता है, ENT का भी हो सकता है। ये नर्सिंग असिस्टेंट पर डिपेंड करता है कि वह आपका अगला टेस्ट कब और कौन सा करेंगे, बट जनरली। इसके बाद आपका एक्सरे और अल्ट्रासाउंड होता है। एक्सरे में सिर्फ चेस्ट का एक्सरे होता है जिसमें वह रिब केज और स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं कि कहीं वह क्रैक तो नहीं या कहीं सीरियस स्पाइनल इंजरी तो नहीं। इसके अलावा अगर हम फ्रैक्चर की बात करें तो यदि बचपन में खेलते समय आपका कोई बॉडी पार्ट टूट गया हो या इन पास्ट कभी फ्रैक्चर हुआ हो लेकिन अभी बिल्कुल ठीक हो, फिजिकल मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पार्ट में कोई डिफॉर्मेशन भी नहीं है, आप बिल्कुल उस चीज को लेके फिट है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। एक्सरे होने के बाद आपका अल्ट्रासाउंड होता है जिसके लिए आपको बहुत सारा पानी पीने के लिए बोला जाता है ताकि आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाए और आपकी रिपोर्ट क्लियर आए। इसमें जनरली किडनी, लीवर और किडनी में स्टोन को चेक किया जाता है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट डे कंप्लीट होता है। हो सकता है कि अगर आपका कुछ टेस्ट पहले दिन नहीं हुआ तो दूसरे दिन कर लिया जाता है, सेकंड डे। यानी दूसरे दिन में भी आपका रिपोर्टिंग उसी टाइम होता है। फिर कुछ बेसिक फॉर्म भरवाए जाते हैं जिसमें आपको कोई गलती नहीं करनी होती है, और इस तरह के फॉर्म आपको 2 या 3 दिनों तक भरवाए जाते हैं। इसके बाद जनरली आपका आई टेस्ट होता है। इसके लिए आपको IOPD में ले जाया जाता है, और वहां आपके आई के विजन और पावर को मशीन के थ्रू चेक किया जाता है। आई का विजन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के लिए सेम होता है। आपका एक आंख का विजन 6x6 होना चाहिए और दूसरी आंख का विजन 6x9 हो सकता है। लेकिन अगर आंखों की पावर की बात करें तो इंडियन आर्मी के लिए -2.5 से +3.5 हो सकता है, और इंडियन एयर फोर्स के लिए -0.5 से +2.0 हो सकता है, और इंडियन नेवी के लिए -0.75 से +1.5 तक हो सकता है। देखिए एस्पिरेंट्स, यदि आपको ग्लासेस लगे हैं और पावर इन्हीं के बीच में है तो आपको कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगा,
आई का विजन और पावर चेक करने के बाद डॉक्टर्स आपको अलग अलग डिजिट पढ़वाते हैं और फिर आपको एक आंख क्लोज करके पढ़ाते हैं। इसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। इसमें देखा जाता है कि आप कलर को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं। इसके लिए आपको एक रूम में लाइट ऑफ करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर लाइट को ओपन करके आपके सामने कुछ कलर सीट रख देते हैं और आपको पहचानना होता है कि यह कौन सा कलर का है, या फिर आपको कुछ इस तरह की सीट्स दिखाई जाती है जिसमें अल्फाबेट्स, डिजिट और कुछ सिंपल शेप बने होते हैं। आपको बस पढ़ना है और बताना है कि इसमें कौन से अल्फाबेट्स बना हुआ है और कौन से डिजिट मेंशन है और कौन सा शेप बना हुआ है। इस तरह से आपके कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आपको कुछ और टेस्ट करने के लिए एक डायलेटिंग आई ड्रॉप दिया जाता है, जैसे कि आपकी आंखों में कैटरेक्ट या प्यूपल में कोई स्पॉट तो नहीं। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो आपका ENT टेस्ट उसी दिन ले लिया जाता है, अदरवाइज नेक्स्ट डे होता है। थर्ड डे जनरली आपका ENT टेस्ट होता है, यानी ईयर एंड नोज एंड थ्रोट टेस्ट। इसके लिए आपको ENT डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहां एक ऑटोस्कोप नाम के यंत्र से दोनों कानों को चेक किया जाता है और सब सही होने पर आपको नोज टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपके कानों में कुछ डिफेक्ट पाए जाते हैं तो उस केस में आपको TR यानी टेम्पोरेरी रिजेक्शन मिलता है। ये टेम्पोरेरी रिजेक्शन क्या है ये आगे वीडियो में आप जान जाएंगे, तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। एक खास बात और जान लीजिए कि वैक्स के केस में आपको कोई TR नहीं मिलता है, क्योंकि ये आसानी से क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपका नोज टेस्ट होता है। इसमें कैमरे वाली एक छोटी सी मशीन को नोज के अंदर डालकर देखते हैं कि आपकी हड्डी या स्किन का साइज तो इंक्रीज नहीं हुआ है। एंड एस्पिरेंट्स ज्यादातर देखा जाता है कि नोज में अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, दैट इज DNS यानी डीविएटेड नेजल सेप्टम, यानी नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना। इसके लिए आपको TR मिलता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली ठीक हो जाती है। और इसी तरह आपके थ्रोट भी चेक कर लिए जाते हैं। इसमें आपको टॉन्सिल और कुछ अलग चीजों को भी चेक किया जाता है। इसके बाद अगर आपको ENT में कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकलती है तो आपको ऑडियोमेट्री के लिए ले जाया जाता है। ऑडियोमेट्री की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है एयरफोर्स के लिए और एक होती है आर्मी के लिए। एयरफोर्स वाली ऑडियोमेट्री में एक बिग हेडफोन पहनाया जाता है और आपको इसके साउंड को आइडेंटिफाई करना होता है, जबकि आर्मी वाली ऑडियोमेट्री में आपके एक कान में कार्डबोर्ड रखा जाता है और पेन से रब करते हैं। उसी समय पीछे से डॉक्टर कुछ शब्द या नंबर बोलते हैं जिसे सुनकर आपको बोलना होता है। ये आपकी हियरिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है। इसे मेडिकल भाषा में विस्परिंग कहते हैं। तो इस तरह से आपका ENT और ऑडियोमेट्री खत्म होता है। इसके बाद आपका शुरू होता है Day 4। Day 4 में आपका होता है डेंटल टेस्ट। इसके लिए आपको डेंटल OPD में ले जाया जाता है और वहां आपके दांतों को चेक करके पॉइंट्स देते हैं। यदि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको 22 पॉइंट मिलते हैं, जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं, जबकि डेंटल टेस्ट को पास करने के लिए आपके मिनिमम 14 पॉइंट्स होने चाहिए। इस टेस्ट में आपका पायर या क्रॉस बाइट, कहीं दाग तो नहीं है या फिर ज्यादा खराब तो नहीं है, और नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है और इस हिसाब से आपको पॉइंट मिलते हैं। जनरली डेंटल टेस्ट बहुत इजी होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई रिजेक्शन नहीं मिलता। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वह है मेडिसिन, जिसे मेडिसिनल टेस्ट कहते हैं। इसमें आपका हाइट, वेट, चेस्ट एंड चेस्ट एक्सपेंशन को चेक किया जाता है। बात करें मेल कैंडिडेट की तो जनरली आर्मी में जाने के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नेवी में जाने के लिए भी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि ग्राउंड ड्यूटी के लिए मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन यदि आप गो और खास, हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गढ़वाल, कुमाऊं, इन सारी जगहों से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आर्मी के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर, नेवी के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर एंड एयरफोर्स के लिए मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन यदि आप लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो नेवी और एयरफोर्स में ही सिर्फ हाइट रिलैक्सेशन मिलता है। नेवी के लिए मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर और एयरफोर्स के लिए मिनिमम हाइट 155.5 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। और दोस्तों, यदि आपकी एज 18 ईयर से कम है
तो आपको हाइट में 1 या 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि आप इस समय ग्रोइंग एज में होते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन में मेल कैंडिडेट का हाइट और वेट चार्ट दिख रहा होगा कि आखिर कितने हाइट में कितना वेट होना चाहिए। इसमें आपका 5 किलोग्राम कम या अधिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरवेट या अंडरवेट होने से आपको TR मिल सकता है। बात करें चेस्ट एक्सपेंशन की, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए और एक्सपेंड होकर आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो आर्मी में जाने के लिए गर्ल्स की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड नेवी में जाने के लिए भी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में जाने के लिए मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि ग्राउंड ड्यूटी के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें कुछ रिलैक्सेशन है। यदि आप गोरखास, हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गढ़वाल, कुमाऊं, इन सारी जगहों से बिलोंग करते हैं, तो आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा यदि फीमेल कैंडिडेट की एज 18 ईयर से कम है, तो इन्हें हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि इस समय ये ग्रोइंग एज में होती है। एस्पिरेंट्स, आपकी स्क्रीन पर फीमेल कैंडिडेट का हाइट एंड वेट चार्ट दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन चेक किया जाता है और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की रिपोर्ट भी चेक की जाती है, और इस तरह से आपका यह टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और Day 4 भी समाप्त हो जाता है। एस्पिरेंट्स, Day 5 की शुरुआत आपकी कुछ इस तरह से होती है। Day 5 में आपका सर्जिकल टेस्ट होता है। इसमें आपको सर्जिकल OPD में ले जाया जाता है और कुछ कैंडिडेट का ग्रुप बना दिया जाता है। इस टेस्ट में आपकी नॉक नीज चेक की जाती है, शोल्डर एंड हैंड के बीच का एंगल चेक किया जाता है, जिसे कैरिंग एंगल भी कहते हैं। आपके स्वेटिंग हैंड्स भी चेक किया जाता है, पिजन चेस्ट भी चेक किया जाता है, फिर आपके फ्लैट फुट को भी चेक करा जाता है और फिर आपके इंडेक्स फिंगर को चेक करते हैं ट्रिगरिंग के लिए। पैरों की नसों को भी चेक किया जाता है। इसके बाद आपकी स्किन को भी अच्छे से चेक करते हैं। इसी तरह से आउटर सर्जिकल होने के बाद इनर सर्जिकल होता है। इसमें आपके इंटरनल पार्ट्स को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है कि इंटरनल पार्ट में तो कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं। तो यह सारी टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है और जो लास्ट डे होता है, दैट इज Day 6, वह होता है कॉन्फ्रेंस डे। इस दिन आपको बताते हैं कि आपको कितने TR मिले हैं और TR मिलने पर आपको आगे का प्रोसीजर समझाते हैं कि आपको आगे क्या क्या करना होगा। लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए TR और PR होता क्या है। TR का मतलब टेम्पररी रिजेक्शन होता है और PR का मतलब परमानेंट रिजेक्शन होता है। यदि एक एग्जाम्पल से हम लोग समझे, तो यदि आप ओवरवेट है या आपका वजन कम है, तो इसमें आपको मेडिकल में पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि आपको 42 डेज का समय दिया जाता है अपने वेट को सही करने के लिए, और इसी को टेम्पररी रिजेक्शन कहते हैं। अगर हम बात करें एक दूसरे एग्जाम्पल पर, तो आपका कैरियिंग एंगल अधिक है या आपके हाथों में पसीना अधिक आता है, तो इसमें आपको पूरी तरह से मेडिकल में रिजेक्शन मिल जाता है और इसे ही परमानेंट रिजेक्शन कहते हैं। अब बात करें कॉन्फ्रेंस डे पर TR मिलने से आपको आगे का प्रोसीजर क्या क्या करना होगा, तो आपको MRO का फॉर्म भरवाते हैं, जिसमें आपको भरना होगा कि आपको किस चीज के लिए TR मिला है, और इसी फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप आगे कौन से अपील मेडिकल बोर्ड के लिए रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अपील मेडिकल बोर्ड है जहां TR के लिए अपील किया जाता है। और अगर आप अपील मेडिकल बोर्ड में भी अनफिट होते हैं, तो आप रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी अनफिट होते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इसके बाद आप किसी भी तरीके से मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते। तो इस तरह से आपका कॉन्फ्रेंस खत्म होता है और मेडिकल भी कंप्लीट हो जाता है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हम ये भी आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। विद दिस थैंक यू। जय हिंद।